नमस्कार, मैं हूं जूली। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ठंड की मार से बिहार परेशान, यूपीएससी ने निकाली बंपर बहाली। अब मेयर और डिप्टी मेयर को चुनने का अधिकार भी होगा जनता के पास। होम आइसोलेशन को लेकर लोगों में बढ़ी जागरूकता। अश्विन ने कहा मैच में वापसी करेंगे भारतीय गेंदबाज। अब चलिए जानते हैं आज शाम तक बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से। यूपीएससी ने निकाली बंपर बहाली, युवाओं को मिलेगा सुनहरा मौका। बिहार और झारखंड में यूपीएससी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 187 पदों के लिए वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद शामिल हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों पर अप्लाई करने के लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और वो इसे पूरी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन करने वालों की उम्र सीमा 30 साल से 40 साल तक तय की गई है। ऑनलाइन अप्लाई करते समय उम्मीदवार को एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ₹25 देने होंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 14 जनवरी तय की गई है। ठंड की मार से बिहार परेशान, सामान्य से 6 डिग्री नीचे लुढ़का पारा। बिहार का मौसम इस वक्त शुष्क बना हुआ है और राज्य में कनकनी भी महसूस की जा रही है। पछुआ हवा की गति धीमी होने की वजह से राज्य में मौसम ठंडा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि जैसे ही पछुआ हवा में तेजी आती है मौसम में भी बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन अगले एक सप्ताह तक मौसम में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। राज्य का अधिकतम तापमान सामान्य से 5-6 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। आईएमडी के अनुसार बिहार के कई राज्यों का दिन का तापमान सामान्य से 5-7 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जबकि रात के तापमान में पिछले 24 घंटे में 3-4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। टीकाकरण में मुजफ्फरपुर हुआ नंबर 1। जनवरी से देश में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू हो चुका है। सभी राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी IGIMS में अपने हाथों से इसका शुभारंभ किया और अब बीते 24 घंटे के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। बता दें कि पहले दिन मुजफ्फरपुर में 15,371 किशोरों को टीका लगाया गया, जो कि राज्य में सबसे ज्यादा है। वहीं पूर्वी चंपारण दूसरे स्थान पर रहा। यहां किशोरों को 13,708 टीका लगाया गया। तीसरे नंबर पर बक्सर ने 12,452 टीके के साथ अपनी जगह बनाई। कोरोना की तीसरी लहर के बचाव को लेकर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में अब 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। होम आइसोलेशन को लेकर लोगों में बढ़ी जागरूकता। जिस तरह से हर रोज बड़ी तादाद में कोरोना के नए संक्रमित पाए जा रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर अब राज्य में दस्तक दे चुकी है। लेकिन इस बार लोगों में होम आइसोलेशन को लेकर काफी पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिल रहा है। बता दें कि राज्य में इस वक्त 1385 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से सिर्फ 49 लोग ही अस्पताल में भर्ती हैं। यानी कि बाकी बचे 1336 खुद को घर पर ही आइसोलेट करके अपना इलाज कर रहे हैं। संक्रमित मरीजों में ज्यादातर माइल्ड सिम्टम्स ही हैं, जैसे कि गले में खराश, बुखार या फिर सर्दी। ऐसे में खुद को होम आइसोलेट करके अपना इलाज करना संक्रमित और अस्पताल प्रशासन दोनों के लिए सहूलियत वाला विकल्प है। बिहार में कोहरे ने मचाया कोहराम। मौसम के बदलते मिजाज का असर अब बिहार की आबो हवा पर भी दिखने लगा है। बिहार का वायु प्रदूषण अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। राज्य के कई इलाकों का वायु प्रदूषण स्तर दिल्ली के आसपास पहुंच गया। बिहार के छपरा जिले का प्रदूषण स्तर तो दिल्ली से भी बदतर पाया गया। बता दें कि छपरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 रहा, जबकि दिल्ली का AQI 387 दर्ज किया गया। गया का AQI 357 रहा। बता दें कि गया में कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में इतनी दूषित हवा की वजह से परेशानी और भी बढ़ सकती है। अगर पटना की बात करें तो यहां AQI 347 रहा। जानकारों का कहना है कि इस वक्त पछुआ हवा की गति धीमी है। पछुआ हवा में तेजी आने से प्रदेश को प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। अब मेयर और डिप्टी मेयर को चुनने का अधिकार भी होगा जनता के पास। पंचायत चुनाव के खत्म होते ही अब निर्वाचन आयोग ने सूबे में नगर निकाय चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन इस बार नगर निकाय चुनाव में कुछ अलग होने जा रहा है। इस बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव पार्षद नहीं करेंगे, बल्कि सूबे की जनता करेगी।
इसका सीधा मतलब ये है कि इस बार पार्षद के साथ साथ मेयर और डिप्टी मेयर के पदों के लिए भी जनता वोटिंग करेगी। हालांकि बिहार ऐसा पहला राज्य नहीं है जहां इस तरह की व्यवस्था लाई जा रही है। इससे पहले झारखंड समेत देश के कई दूसरे राज्यों में इससे पहले से ही जनता मेयर और डिप्टी मेयर को चुनती है। अब बिहार की विधि विभाग ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा और वो इसे स्वीकृति देंगे, जिसके बाद इस पर राज्यपाल की मुहर लगेगी। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने भी नगर निकाय के चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है। गांव की सरकार का गठन का काम पूरा, आज से विकास कार्य होंगे शुरू। बिहार में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। सोमवार को गांव की नई सरकार का गठन भी कर लिया गया और आज यानी कि मंगलवार से विकास का काम भी शुरू कर दिया गया है। बता दें कि सोमवार को राज्य में 8067 ग्राम पंचायत, 534 पंचायत समितियां और 38 जिला पार्षद के गठन का काम पूरा कर लिया गया। अब नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने अपने कार्य क्षेत्र में विकास कार्यों का जिम्मा संभाल चुके हैं। वही पंचायती राज विभाग ने राज्य के 1,09,000 से भी ज्यादा वार्ड के कामकाज और प्रबंधन समिति के गठन के लिए 15 जनवरी तक की डेडलाइन भी तय कर दी है। इस वक्त पंचायती राज विभाग का मुख्य लक्ष्य है हर घर नल का जल पहुंचाना, जो कि मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना का भी हिस्सा है और वो भी इसका बढ़ चढ़ कर प्रचार करते रहते हैं। कोहरे ने लगाई उड़ान पर रोक। बिहार में बीते कुछ दिनों से ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आज भी राज्य में घने कोहरे के साथ जबरदस्त ठंड का मौसम बना रहा। अब इसका असर फ्लाइट्स के परिचालन पर भी पड़ने लगा है। पटना एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण आज लो विजिबिलिटी रही, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स का परिचालन प्रभावित हुआ। कई फ्लाइट्स के आगमन और प्रस्थान में भी देरी हुई। यात्रियों को भी इस की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लो विजिबिलिटी के कारण अधिकारियों को भी काफी समस्या हुई। एक महीने में कोरोना की तीसरी लहर होगी पीक पर। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सबके मन में डर पैदा कर रहा है। ऐसे में जो स्टडीज सामने आई हैं उसके मुताबिक तकरीबन 30 दिन में कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होने की बात कही जा रही है। दरअसल बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि एक महीने के अंदर कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होगी। हालांकि बाद में इसमें गिरावट भी आएगी, लेकिन इस लहर के शांत होने में 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। जानकारों का कहना है कि कोरोना जितनी भी वैक्सीन बनी है उन सभी को आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी यूज के लिए बनाया गया है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से बनने वाली वैक्सीन में कम से कम 5 साल का समय लगता है, जिसके लिए अभी भी हमें 2.5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में जरूरत है कि लोग अपने अपने स्तर पर सावधानी बरतें और कोरोना नियमों का पालन करें। बिहार के जेल में बंद कैदियों से मिलने पर लगी रोक। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब जेल प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा ने जेल में मुलाकातियों की व्यवस्था पर अविलंबित रोक लगाने का फैसला ले लिया है। इस फैसले को 31 जनवरी तक के लिए लागू किया जाएगा। उन्होंने अपने इस फैसले के पीछे तर्क दिया है कि बीते दिनों से बिहार में कोरोना के मामलों में बढ़त देखी जा रही है। ऐसे में बाहर से कैदियों से लोग मिलने आएंगे तो संक्रमण का खतरा और भी गहरा हो जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के बाद भी संक्रमण को रोकने में एक बड़ी चुनौती होगी, लिहाजा इस खतरे को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। जब कोरोना के मामले कम हो जाएंगे तो हालात काबू में हो जाएंगे, तब मुलाकातियों की व्यवस्था को एक बार फिर से बहाल कर दिया जाएगा। प्रकाश पर्व में बिना आरटीपीसीआर नहीं मिलेगी एंट्री। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 355वें जन्मोत्सव पर अब बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आयोजित होने वाले प्रकाश पर्व में अब कई बदलाव किए गए हैं। अब बिहार के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, इसके बाद ही पटना साहिब में एंट्री मिलेगी। सोमवार को पटना साहिब के 60 संगतों के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें से 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब इसकी वजह से वहां की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बता दें कि राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से बिहार सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि तीसरी लहर को काबू कर लिया जाए, और इसकी वजह से अब पटना साहिब की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूछताछ में नदारद रहे मगध यूनिवर्सिटी के वीसी। मगध यूनिवर्सिटी के वीसी ने एक बार फिर से कानून को ठेंगा दिखाकर ये बता दिया है कि उनके लिए कानून कुछ मायने नहीं रखता।
बता दें कि मगध यूनिवर्सिटी के वीसी राजेंद्र प्रसाद पर करोड़ों के गबन का आरोप है। 2 महीने पहले ही उनके घर से कुछ संवेदनशील कागजात और करोड़ों रुपए नगद बरामद किए गए थे। इसके बाद से स्पेशल विजिलेंस यूनिट लगातार वीसी को नोटिस भेज रही है और वो लगातार उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। बता दें कि कल यानी 3 जनवरी को दोपहर 11 बजे एसवीयू ने राजेंद्र प्रसाद को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसका नोटिस उन्हें 1 महीने पहले ही भेज दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बिना कानून की परवाह किए नोटिस को इग्नोर कर दिया और पूछताछ के लिए पहुंचने की जहमत नहीं उठाई, ना ही इसकी जानकारी दी। लिहाजा एसवीयू की टीम इंतजार करती रह गई। अब वीसी को एक बार फिर से नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। नहीं रहे पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह। जगदीशपुर के पूर्व विधायक और पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिनारायण सिंह का आज आकस्मिक निधन हो गया। ये दुखद समाचार पाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त किया है और उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि वो एक कुशल राजनेता और समाजसेवी थे। वे मृदुभाषी एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने इस दुख की घड़ी में उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की और उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति देने की कामना की। अश्विन ने कहा मैच में वापसी करेंगे भारतीय गेंदबाज। टीम इंडिया के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने पहली पारी में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए स्कोर को लेकर प्रतिक्रिया दी है। जोहान्सबर्ग में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया सिर्फ 202 रन पर ऑल आउट हो गई। इस पर अश्विन ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 या उससे अधिक रन बनाना अच्छा रहता है, लेकिन साथ ही उन्हें यकीन है कि भारतीय गेंदबाज मैच में वापसी करवा सकते हैं। अश्विन ने कहा कि साउथ अफ्रीका में हमेशा पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 रन बनाना अच्छा रहता है और मुझे लगता है हम थोड़ा कम स्कोर बना पाए, लेकिन हमारी पूरी गेंदबाजी यूनिट फॉर्म में है और हम इस स्कोर से भी कुछ हासिल कर सकते हैं और शायद मंगलवार को सिराज गेंदबाजी के लिए फिट हो जाएंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने दिए, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन यूजर्स के जवाब हमें पसंद आए हैं उनके नाम है कुश कुमार यादव, रघुनाथ प्रसाद, अश्विनी कुमार मेहता, सचिन कुमार, मृत्युंजय कुमार, शंभु यादव, उत्यंग कुमार, शकील अहमद। इसके अलावा और भी कई ऐसे यूजर्स हैं जिनके जवाब हमें पसंद आए, लेकिन समय के अभाव की वजह से हम उनके नाम आज नहीं ले सकेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल कुछ इस प्रकार है। अश्विन ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय गेंदबाज मैच में वापसी करेंगे, क्या आप उनके इस बयान से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।